हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और घर के सारे काम भी हो चुके हैं। बस रह गया है तो सिर्फ नाश्ता करना। और टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:15 हो रहे हैं, तो अक्कू भी स्कूल जा चुकी हैं। और आज ना बाहर का मौसम देखेंगे ना आप, तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश हो रही है बहुत भयंकर। सुबह 5 बजे के आसपास से लगभग बारिश ही हो रही है, तो अक्कू को भी ना स्कूल मतलब बारिश में ही स्कूल भेजना पड़ा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी काफ़ी छुट्टी हो चुकी है। तो फिर बार बार छुट्टी कराना, फिर अभी एग्ज़ाम भी फिर आने वाले हैं बच्चों के अभी नज़दीकी, तो इसने फिर उसे स्कूल भेजना पड़ा। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब नाश्ता, और क्योंकि दवाई का भी टाइम हो रहा है तो फिर हम जल्दी ही नाश्ता कर लेते हैं। टाइम वैसे अभी 8:15 ही हो रहा है, तो अभी हस्बैंड आ रहे हैं, उसके बाद मैं जब तक नाश्ता भी रेडी कर दूंगी। तो जितनी देर में मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, उतनी देर में मैं आप सबके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, जिसमें मम्मी जी हमसे मिलने के लिए यहाँ पे रूम पे आए थे। क्योंकि आपने देखा था मेरे हस्बैंड के चैनल पे कि मम्मी जी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आए थे, तो उस दिन ना मम्मी हमसे मिलने भी यहाँ पे आए थे, अक्कू से और मुझसे। और अक्कू ना बहुत ज़्यादा खुश थी, तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी खुश थी अक्कू, और बहुत अच्छा लगा मम्मी जी से मिल के। क्योंकि हम लोग तो गाँव जा नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसा है कि मम्मी हमसे मिलने यहीं पर आ गए थे, तो अच्छा लगा मिल के भी। तो आप सब भी मिलिए मम्मी जी से, और आप सबको भी अच्छा लगेगा मम्मी जी से मिलके। तो चलिए, इतनी देर में मेरा नाश्ता बन जाएगा और आप लोग क्लिप एंजॉय कीजिए। तो अभी ना दिन के लगभग 12 बज गए हैं, और मम्मी अभी कमरे में पहुंच गई है, और अक्कू के पापा भी नहीं आए, क्योंकि मम्मी ने ना अक्कू के लिए कुछ मंगाया होगा, तो फिर वो लेने गए हैं अभी। तो मम्मी ने ना अक्कू के लिए कुछ मंगाया होगा कि मतलब अक्कू को मिलने जा रहे हैं तो कुछ लेके आ, तो इसलिए वो अभी दुकान में ही है, अक्कू के लिए कुछ लेके आ रहे हैं। अक्कू कौन आया है? अक्कू कौन आया घर में? दादी। दादी आई ना, अक्कू मिल गई दादी से ना। ये देखो, चलो मिलाओ सबको अपनी दादी से। ये मेरी दादी। ये मेरी दादी। एक बार भी आई थी, अब दो बार आ गई। हाँ। दादी से पूछा कि कैसी है दादी की तबीयत? पूछा दादी से कि दादी तबीयत कैसी है आपकी, पूछ तो। तो कहती दादी को गले लगाऊंगी। अक्कू ने अपनी दादी को पूछे, दादी सर में दर्द हो रहा है, पूछ तो दादी को, दादी सर में दर्द हो रहा है। जा दादी गोदी में जा। ये देखो अक्कू बहुत खुश हो गई, सिर्फ कल से बोल रही दादी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। दादी दादी की बहुत याद आ गई। हाँ जाएगी, घर जाएगी अक्कू दादी के साथ, और फिर बुआ से भी मिल के आ जाओ। हाँ तो भाई मम्मी का आए हुए 5-10 मिनट हो गए, पानी तो पी लिया है। मैं सोची खाना भी मैंने रेडी कर रखा है, उससे पहले मम्मी को जूस दे देते हैं पीने के लिए। तो वाला जूस यहाँ पे वैसा जूस तो मिलता नहीं है, तो ये रियल वाला जूस है। ये में क्या दूध? यू भारू है ना। अच्छा आपको गिराइए मत, गिरा दूंगी। ले वहाँ ये पीवा। क्या है जूस ही? गिराने नहीं आपको? बैठ जाओ दादी के साथ, दादी के साथ बैठ जाओ। आपको तो भी पेन, ये पेन ही नहीं है, बेकार लगे अभी से गई हूँ। चलो से पेन दे तो पेन ही पेन सुबेर भी नहीं हुई, नहीं पेन नहीं पेदे पेदे जा सिले ये बा? ये पेन ही नहीं, तुम पी लो। और खाना भी मैंने रेडी कर रखा है, यहाँ पे दाल बनी है, इसमें चावल बने हैं। तो बस अभी मम्मी जूस पी लेंगी ना, उसके बाद फिर अक्कू के पापा आ जाएंगे, फिर खाना भी लगा दूंगी। और इसमें है दूध, अब दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। कितना गर्म हुई दूध तक, कितना गर्म हुई दूध। ये देखो पापा ले आए चीज अपनी, क्या है? आइसक्रीम है और चिप्स है, दादी लेके आई है ये। चलो चल दादी के पास, ये तो दादी ने मंगाया अक्कू के लिए। हाँ तो अभी पतिदेव भी आ गए हैं। हेलो, गर्मी से बुरा हाल, गर्म होने ना बाजारों बिज़े है ना। आपको खाए, आपको अपनी दादी को बोल रही है कि आइसक्रीम खा लो। मम्मी दे दे, मम्मी नहीं खाने।
यही खा ली, अब ये खा ले तब बाद में खाना, फ्रिज में रख दे। एक आइसक्रीम खा ले बाकी रख दे, चल फिर खाना खाना है। तो अभी मैंने खाने की थाली लगा दी है और ये है सलाद, तो खाना दे देते हैं मम्मी जी को। और आपको लग गई है आइसक्रीम खाने में, है ना आपको? दादी लाई ना, फ्रूटी भी लाई दो, और दो आइसक्रीम और चिप्स भी, आपको भी तो मजा आ गया नी, है ना? तो मम्मी जी को दे दिया खाना, मम्मी जी तो लग गए खाना खाने, और अक्कू के पापा ने बोला था खाना लगा और खुद गायब हो गए, है ना? पापा गायब हो गए ना भूत की तरह। और अक्कू ना बहुत सारी बातें कर रही है अपनी दादी से, सब कुछ बता रही है, दादी ये दादी वो, लगी हुई है वो अपनी दादी से बातें करने में, देखो। क्या बनी? मैं वजाद सपने वाला ते मैं टांगुर खेंच ना वा, टांगुर खेंच मेरे और पंखा मन लटक गई। दादी की चप्पल धूप में किसने रखी? आपको ने? मैंने। क्यों गरम नहीं होगी दादी की चप्पल? ये देखो आज तो आपको अपनी दादी के साथ खाना खा रही है ना आपको? हाँ ठीक है ठीक है। और ना मम्मी और इन्होंने भी खाना खा लिया, और खाना ज़्यादा बन रखा था इसलिए मैंने ना गुड्डी के लिए भी पैक कर दिया, और हमने से फ़ोन करते हैं खाना मत बनाना, है ना बुआ के लिए भी ना, क्योंकि ना ये मैंने ज़्यादा बना रखा था खाना, ही खा ही नहीं रहे, मम्मी ने भी थोड़ा सा ही खाया बस, मम्मी कह रही मैंने जूस पी लिया पेट भर गया जूस पी के, और मम्मी ना कमज़ोर भी हो गई, खाना भी कम कर रहा था, है ना? हाँ हाँ खाना कम नहीं कम पा रहे। तो दोस्तों आप लोगों को लग ही रहा होगा मम्मी को देख के, तो मम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, खाना भी कम ही खाया मम्मी ने। हाथ धो के आ जाओ फटाफट जाओ, तो अभी मम्मी लोगों ने खाना खा लिया और इनकी घर जाने की तैयारी है, तो घर छोड़ेंगे मम्मी को। तो ये देखो देखो मम्मी कितनी कमजोर हो गई है ना, कमजोर है ना ये, और मम्मी कह रही कि नहीं मैं कमजोर, मैं मोटी हूँ, खाना भी कम कर रखा मम्मी ने, पता नहीं खाना नहीं खा रहा, खाना खूब खावा ना, खाना अपने लिए पड़ो पर था। मम्मी कह रही पेट में खाना नहीं अकड़ रहा, अकड़ रहा मतलब पच नहीं रहा मम्मी को। देखो अब तो ना अब ऐसी हो रही है कि वे दादी घर जा रही है, प्यार कर देखो दादी को, ऐसे बोलो दादी अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। दादी को देर हो रही है जाने दे, टिप्पण तक गया चलो तो ठीक है, इधर चप्पल ही गामा डाली हुआ है मेरी, लोग गर्म नहीं है ना, ध्यान रखना तो है। हाँ ठीक है, ऐसे बोल दादी अपना ध्यान रखना, आराम से जाए वो, आराम से जाए। तो अब ना जो है ना कैमरा मैं मम्मी जी के पास दे दूंगी, और जब आपको के पापा आएंगे शाम को तब आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मम्मी जी और को ना लेट हो रही है, वैसे होता तो रुक जाते आराम करते, पर देर हो रही है ना घर में भैंस ये है फिर इसलिए। चलो क्या बता, तो दोस्तों अभी नाश्ता भी मैंने रेडी कर दिया है और मैं दिखाती हूँ आज के नाश्ते में क्या है। तो ये देखिए दोस्तों पतिदेव खा रहे हैं घपा घप। तो आज के नाश्ते में है चिचिंडे की सब्जी, चाय और रोटी, है ना? तो ये चिचिंडे तो हमारे गांव के ही है जो कि घर से लेके आते हैं, ये जब भी घर जाते हैं चिचिंडे जरूर लेके आते हैं घर से, मतलब चिचिंडे खाने का मन नहीं कर रहा यार। तो दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया और टाइम हो रहा है लगभग 10:45 हो गए होने वाले हैं, तो अब अक्कू के पापा की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है अक्कू को लेने के लिए जाने के लिए, हैं ये देख
तो मैंने मतलब यहाँ से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं जाने में, तो अभी लेके आ जाता हूँ मैं आपको। तो अभी जाएंगे अक्कू को लेने के लिए, और आज का व्लॉग ना दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि मम्मी जी से मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है पाड़ी ब्लॉगर रितिका 837। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।